यार राती मैं ख्वाब आया, मैं साड़ी लात तेड़ा इंतजार करदा रहा, कहते घरे ते चिरी बैठी, घरे ते चिरी बैठी, रोरा मारिया फुर करके उर गई। हमारे एक दोस्त हैं, प्रोफेसर हैं तुर्की में उर्दू डिपार्टमेंट के, उनका नाम है हलील तोकार। अच्छा मैंने कहा ये हलील क्या होता है, महसूस हुआ कि जो टर्किश हैं वो खे नहीं बोल सकते, हम कहते थे खालू खलील खान, अब वो खालू खलील खान ही कहेंगे, वो हालू हलील खान कहेंगे। अच्छा हमारे यहाँ लाहौर में भी बहुत से लोग पाए जाते हैं जो कहते हैं कि यार आती मैं ख्वाब आया। अच्छा बड़ी कोशिश की कि वो उनका हे जो है खे हो जाए, वो नहीं होता। कई तो बड़े मशहूर भी हो गए हुए, ये मेरा ख्याल है कुछ ज़बानों में है। ये जो लाहौर की बात करते हैं ना रे और अड़े की, उसमें मैंने पिछले एक व्लॉग में बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ, ये ठीक नहीं हो सकता। कोशिश करके शायद हो जाए, लेकिन मैंने ये देखा है। उसके लिए हमारे एक दोस्त हैं अब्दुल्ला साहब, वो कहते हैं कि दो फिक्रें याद कर, ये एक लाहौरी ने बोले, वो कहता है चौधरी मैं साड़ी लात तेड़ा इंतजार करदा रहा, तू फेड़ भी नहीं आया। और दूसरा वो कहता है, यानी उसने उसमें ना सारे रे को रे कर दिए, कहते करे ते चिरी बैठी, करे ते चिरी बैठी, रोरा मारिया फुर करके उर गई। मीन हफीज भी याद आ जाते हैं ना। हाँ मीन हफीज अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, वो तो गोरे पे बैठ के कहते गोरा जा रहा है, चल गोरे मेरे, चल मेरे गोरे, वही बड़ा है? नाम है साफत का। देखिए इसके ऊपर ना जावेद अख्तर है, वो भी बताते हैं कि वहाँ भी बंगला जुबान में नहीं बोल सकते। मतलब हमारे वहाँ इलाके में एक बंगाली गुजरता था, चने बेचता था, तो वो कहता था सोले ले लो सोले। अब सोले ले लो, अब बड़ी मुश्किल से समझ आएगा कि ये छोले कह रहा है, लेकिन उससे नहीं छे कह सकता वो। दुनिया में ये मसाइल तो हैं, ये एक हुस्न भी है। हम इसको कमज़ोरी के तौर पर देखने की बजाय लाहौर की एक ख़ास वाइब के तौर पर, ब्यूटी के तौर पर, स्पेशल एलिमेंट के तौर पर लाची अला पान है कैसा। मैं भी अर्ज़ करता हूँ कि जो सिख हैं हमारे, जो इंडियन पंजाब के दोस्त हैं, उनको मेरा नाम लेना मुश्किल होता है कि इजाज़ नहीं कह सकते, वो क्या कहते हैं अयाज ही कहेंगे यानी जीम नहीं है। हाँ। वहाँ कनाडा में हमारे पास एक जैलर स्टोर है, उसको जैलर नहीं कहना था, येलर ही कहेंगे। हाँ। अच्छा जीरे को जीरा ही कहेंगे। तो लाहौर का भी आप यही हालात हैं, ये लोगों का कसूर नहीं है। लाहौर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसने लाहौर का हुलिया बदल दिया है, उससे लोगों की ज़िंदगी किस तरह मुतासर हुई है और एक नई शेप ले रहा है। उसमें आज हमने जो गुफ्तगू की है, आप उसको एंजॉय करें और फिर अपने फीडबैक दें कि कौन कौन से और ऐसे शोबे हैं लाहौर की ज़िंदगी के जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ये हमारे लिए एजाज़ है कि जियो न्यूज़ के सीनियर प्रोड्यूसर शाहनवाज नजमी साहब ने हमारी आज की प्रोडक्शंस की निगरानी भी की। हमारी ख्वाहिश तो ये थी कि ये तीन का सेट होगा, हम तीन लोग बातें करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा मुनासिब समझा कि वो कैमरे के पीछे बैठ के कैमरे के आगे बैठने वालों की रहनुमाई करें, उनको सीधा रखें और उनसे कुछ काम का काम ले लें। बहुत शुक्रिया शाह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नजमी भाई जनाब, आपकी आमद और आपकी मौजूदगी हमारे लिए और इंस्पायरेशन है। सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़।